नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं एडी टेकीफाई। दोस्तों, इस वीडियो में मैं इस डिजिटल रूम थर्मोमीटर एंड हाइग्रोमीटर की टेस्टिंग करने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग, रिव्यू एंड फुल ऑन टेस्टिंग करूंगा, ताकि मैं आपको बता सकूं कि यह डिवाइस जो है एक्चुअली में काम करता है या नहीं। तो इसलिए वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर लीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो डिवाइस है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी जो पैकेजिंग है, यहाँ पर इसका जो ब्रांड है आप देख सकते हैं, एप्टेक डिल्स की तरफ से ये डिवाइस है, HTC One। इसके माध्यम से आप रूम के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड क्लॉक को भी जो है आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक AAA बैटरी भी आपको मिल जाता है इसके साथ। दोस्तों, मैंने इसको अमेज़ोन से ऑर्डर किया है एट 257 रुपीज़। सो 250 से लेके 300 रुपये में आपको ये डिवाइस इजीली ऑनलाइन में मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ोन पे। दोस्तों, ये जो डिवाइसेस है ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं आपके रूम के टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को मापने के लिए। तो अब आप बोलेंगे कि आपके पास तो मोबाइल डिवाइसेस है जिसके थ्रू आप ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर को बहुत आसानी से माप सकते हैं, लेकिन मोबाइल में जो वेदर फोरकास्ट एप्लीकेशंस है वो कुछ स्पेसिफिक एरिया की टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आपको बताता है, आपके रूम के टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कभी नहीं बताता। उसको मापने के लिए आपको इस तरह की जो डिवाइसेस है उसको यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि आपकी एरिया की जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी है और आपके रूम की जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी है वो एक नहीं है। तो चलिए पहले इस डिवाइस को अनबॉक्स करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सिंपल सा पैकेजिंग है। यहाँ पर यह है वो डिवाइस, यहाँ पर आपको एक मैनुअल मिल जाता है ऑपरेट करने के लिए, जो कि हमें नहीं चाहिए। मैं आपको सारे जो इन्फॉर्मेशन्स है बता दूंगा कि कैसे इस डिवाइस को सेटअप करना है। तो चलिए पहले इसमें बैटरी को इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बैटरी को इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर ऊपर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा, नीचे जो परसेंटेज है ये ह्यूमिडिटी है, मतलब 79% ह्यूमिडिटी है रूम के अंदर। और यहाँ पर आपको क्लॉक मिल जाएगा जो कि बता रहा है 12 AM। तो हमें इस क्लॉक को सेट करना होगा, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं डिवाइस को। आप यहाँ पर ब्रांडिंग देख सकते हैं एप्टेक डील्स की तरफ से। इसका जो मॉडल है वो है HTC One। और दोस्तों, इस मॉडल में, HTC One मॉडल में आपको बहुत सारे इम्पोर्टर्स मिल जाते हैं ऑनलाइन में, फ्लिपकार्ट पे या फिर अगर आप अमेज़ोन पे सर्च करते हैं तो। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि जो इम्पोर्टर एप्टेक डील्स की तरफ से जो HTC One डिवाइस आता है वही आप ख़रीदिए, क्योंकि इसका जो क्वालिटी है वो दूसरे जो HTC One इम्पोर्टर्स है उसके क्वालिटी से अच्छा है, और इसका जो कस्टमर फीडबैक है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मोड, एडजस्ट एंड मेमोरी का बटन देखने को मिल जाता है। और पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए QC पास्ट है, और यहाँ पर आपको कुछ VI सर्टिफिकेशन मिल जाते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्टैंड मिल जाता है जिसके थ्रू आपको आप इसको ऐसे कहीं पर रख सकते हैं। और पीछे एक बटन आपको मिल जाता है, और अगर आप देखेंगे इस बटन को अगर प्रेस करेंगे, पहले आप देखिए यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है आपको टेम्परेचर बता रहा है। अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये आपको फ़ारेनहाइट पे जो है टेम्परेचर बताएगा, लेकिन मैं ये सेंटीग्रेड करके रखता हूँ क्योंकि हम सेल्सियस की ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। दोस्तों, अब चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर हम ये जो क्लॉक है इस क्लॉक को कैसे सेट करेंगे। तो क्लॉक को सेट करने के लिए यहाँ पर जो मोड बटन दिया हुआ है इसको आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम जो है मिनट को सेट करेंगे। तो यहाँ पर अभी के लिए जो टाइम है वो है 11:38 AM। तो मैं यहाँ पर एडजस्ट से जो है मिनट को सेट करूँगा। और फिर से मोड बटन को मैं प्रेस करूंगा
तो यहाँ पर जो है हावर को हमें सेट करना है 11 पे, तो हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे 11:38। फिर से मोड बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 12 आवर और जो है 24 आवर फॉर्मेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो मैं 12 आवर फॉर्मेट को ही यूज़ करूँगा। 24 आवर फॉर्मेट जो है आपको रेल स्टेशन में टाइम टेबल में देखने को मिलता है। तो अब फिर से मोड बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ईयर को एडजस्ट करने के लिए बोल रहा है, ये है 2023, तो हम 2023 इसको एडजस्ट करेंगे यहाँ पर। इसके बाद फिर से मोड बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मंथ और डेट दिखा रहा है, तो जो मंथ है वो है मई, मतलब 5, तो हम 5 को सेट करते हैं। और यहाँ पर डेट जो है हम 13 तारीख यहाँ पर इसको सेट करेंगे, हो गया। अब फिर से मोड बटन को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो है टाइम यहाँ पर सेट हो चुका है। दोस्तों इस डिवाइस की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आप अलार्म भी सेट कर सकते हैं, कैसे मैं आपको बता देता हूँ। इसको टाइम को सेट करने के बाद यहाँ पर मोड बटन को फिर से प्रेस करेंगे, तो मोड बटन को प्रेस करने के बाद हम यहाँ से जो है अलार्म को एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलार्म लिख के आ गया है। अब इसको एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर मोड बटन पे प्रेस करना है, मोड बटन को प्रेस करके रखना है, फिर आप यहाँ से अलार्म को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि अलार्म को कैसे आप यहाँ पर सेट करेंगे। मैं यहाँ पर एलेवन फोर्टी फाइव में जो है अलार्म को सेट करता हूँ, फिर आपको मोड बटन प्रेस करना है। तो आप टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम हो रहा है 11:43। तो अब अगर आप फिर से मोड बटन को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो अलार्म है 11:45 पे है, तो 2 मिनट बाद इसका जो अलार्म है वो बजना शुरू होगा। तो मैं 2 मिनट वेट करता हूँ, तब तक के लिए मैं कुछ और फीचर्स मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ह्यूमिडिटी है, इस ह्यूमिडिटी सेंसर का जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पर बॉक्स पे लिखा है ±5%, मतलब अभी के लिए जो ह्यूमिडिटी यहाँ पर दिखा रहा है वो ±5% हो सकता है, मतलब यहाँ से 81% भी हो सकता है या फिर यहाँ से 71% भी हो सकता है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो टेम्परेचर सेंसर का जो एक्यूरेसी है वो है 1°C±, मतलब इससे 1 डिग्री ज़्यादा भी हो सकता है, इससे 1 डिग्री कम भी हो सकता है। तो वैसे तो मैं बोलूँगा कि प्राइस के हिसाब से ये डिवाइस काफ़ी एक्यूरेट है, क्योंकि इतना कम प्राइस में आपको इससे अच्छा कुछ अभी तक के लिए मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पर टाइम देख सकते हैं 11:44, एग्जैक्टली 11:45 में जो है अलार्म सेट किया है, तो 1 मिनट बाद ही जो है अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 11:45 में अलार्म बजना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर हम मोड को प्रेस करेंगे तो जो है अलार्म बंद हो जाएगा। अब फिर से मोड को प्रेस करेंगे तो टाइम में ये जो है चीज़ आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं 11:45, और यहाँ पर टाइम ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये क्लॉक है, और अलार्म में ये ब्लिंक नहीं करेगा, तो इसका मतलब आपको पता चलेगा कि अलार्म है। अब आप इसमें एक और फीचर आपको देखने को मिल जाएगा, अगर मैं यहाँ पर मोड को प्रेस करूँगा अलार्म में जाने के बाद फिर से अगर प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बज़र है। तो ये जो बज़र है इसका काम है हर एक घंटे ये आपको नोटिफाई करेगा। मान लीजिए अभी के लिए जो टाइम है वो है 11:45, तो एग्जैक्टली 12 PM पे आपको एक बज़र मिलेगा, उसके बाद ये 1 PM पे आपको बज़र मिलेगा। तो वैसे मैं इस फीचर को ऑफ करके रखता हूँ, अब यहाँ पर देख सकते हैं। और इस डिवाइस की रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम बहुत सारे यूज़र नॉर्मली फेस करते हैं कि यहाँ पर जो डिस्प्ले में जो डिजिट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, कभी कभी जो है या फिर बहुत दिन बाद यूज़ करने के बाद जो है इस डिस्प्ले में जो रीडिंग्स आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले में, तो ये रीडिंग सही से नहीं आता है या फिर डिस्प्ले ब्लैंक हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम डिवाइस का नहीं है एक्चुअली, इस प्रॉब्लम कोई ये प्रॉब्लम जो है मदरबोर्ड से या फिर इसका जो मेन बोर्ड है इससे नहीं आता है। ये प्रॉब्लम एक्चुअली जो डिस्प्ले और मदरबोर्ड का जो कनेक्टर होता है, तो उस डिस्प्ले कनेक्टर में कभी कभी एक्सटेंसिव यूज़ करने के बाद कार्बन जो है
जम जाता है, तो इसलिए डिस्प्ले पिन के साथ मदरबोर्ड पिन में जो कनेक्शन है वो टूट जाता है, तो आपको यहाँ पर सही से चीज़ दिखाई नहीं देता। तो इसका जो सोल्यूशन है ये काफ़ी आसानी से आप इसको घर बैठे ही सोल्यूशन कर सकते हैं। आपको डिवाइस को सिर्फ खोलना होगा, पीछे से खोलने के बाद आप मदरबोर्ड को खोलिए, खोलने के बाद वहाँ पर जो डिस्प्ले पिन्स है उसको आपको थोड़ा थिनर से क्लीन करना होता है, उसके बाद फिर से अगर आप लगा देंगे तो डिवाइस जो है नया हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आप अमेज़ॉन से ख़रीद रहे हैं तो आपको 10 डे रिप्लेसमेंट पॉलिसी मिलता है। अगर 10 दिन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आप इजीली इसको जो है रिप्लेस कर सकते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू। तो चलिए आप देख लेते हैं कि ये जो डिवाइस है इसका जो टेम्परेचर करेंटली आप यहाँ पर देख सकते हैं 32.7 डिग्री सेल्सियस है, और इसका जो ह्यूमिडिटी है वो है 76। बाहर बहुत क्लाउडी है तो इसलिए आज का जो ह्यूमिडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये एक्यूरेट दिखा रहा है। वैसे आप यहाँ पर हमारे जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं करेंटली जो आउटसाइड डोर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी है वो कैसा है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इस डिवाइस को कूलर के सामने ले जाता हूँ और देखता हूँ कि इसके अंदर जो टेम्परेचर है और जो ह्यूमिडिटी है उसमें कोई चेंजेस आता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं सेंसर की रीडिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैं इसको कूलर के सामने होल्ड करता हूँ और देखता हूँ कि इसमें कोई चेंजेस आता है या नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप ह्यूमिडिटी को देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं ह्यूमिडिटी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। देख सकते हैं टेम्परेचर कम होना शुरू हो चुका है, ये 31 पे आ गया है और ह्यूमिडिटी भी 80% हो चुका है। वैसे बाहर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ह्यूमिडिटी 85% पे पहुँच चुका है। नॉर्मली हमारे यहाँ पर एरिया में समर सीज़न में ह्यूमिडिटी 35% रहता है, लेकिन आपको पता होगा कि एक साइक्लोन जो है वे ऑफ बंगाल में क्रिएट हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पर ह्यूमिडिटी थोड़ा ज़्यादा है आज के टाइम पे। तो ह्यूमिडिटी आप देख सकते हैं 80% में पहुँच चुका है और टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस में पहुँच चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस में पहुँच चुका है और ह्यूमिडिटी 90% में पहुंच चुके हैं। तो इसका जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है वो धीरे धीरे घटता है या फिर चेंज होता है, लेकिन मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि ये जो डिवाइस है ये काफ़ी एक्यूरेट रीडिंग देती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो से कोई भी हेल्प मिला तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की टेक कंटेंट पाने के लिए। और अगर आपके मन में कोई भी क्वायरी है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताइए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।